सतनाम श्री वाहेगुरु, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ईयर 2018 में हमने दिल्ली से लेह तक का एक रोड ट्रिप किया था। उस समय हम इस गुरुद्वारे पे आए थे जिसका नाम गुरुद्वारा पत्थर साहिब सिंह जी है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे इस जगह पे एक राक्षस होता था जो कि स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशान करता था, और उसी वक्त गुरु नानक देव जी अपने कश्मीर और लद्दाख की यात्रा पर निकले हुए थे। तो वो इस जगह पर आते हैं और यहाँ पर जो स्थानीय लोग थे उनसे मिलते हैं। उन्होंने गुरु नानक देव से अपना रिक्वेस्ट किया कि वो उन्हें राक्षस से बचाएँ। एक दिन की बात है, जब गुरु नानक देव जी ध्यान में बैठे हुए थे तो उस राक्षस ने एक बहुत बड़ा सा पत्थर उनके ऊपर फेंका। वो पत्थर नीचे गिरते ही मोम में कन्वर्ट हो गया और जो गुरु नानक देव जी थे उनके पूरे शरीर का छाप उस पत्थर पर पड़ गया, जो कि इस गुरुद्वारे में अभी भी देखने को मिलता है। गुस्से में राक्षस नीचे आता है, आकर उस पत्थर पर पैर मारता है। उस पत्थर में उसका पैर धंस जाता है और वो देखता है कि गुरु नानक देव जी को कुछ नहीं हुआ और वो माफ़ी मांगता है। गुरु नानक जी उसको बोलते हैं कि आप गलत काम ना करो और सही राह पर चलो। उस दिन से वो गुरु नानक देव जी का भक्त बन जाता है। यही इस गुरुद्वारे की कहानी है। और अभी की बात करें तो इसका पूरा संचालन भारतीय सेना करती है। अभी हम लोग नीचे चलेंगे, लंगर चखेंगे और अपने जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। काले चने की सब्जी बनी हुई है, साथ में पूड़ी, पूड़ी और काला चना का प्रसाद। सतनाम श्री वाहेगुरु। तो ये था मैग्नेटिक हिल, और यहाँ पे ऐसा कहते हैं जो बॉक्स बनाया है वहाँ पे आप गाड़ी पार्क करिए और ग्रेविटी से वो गाड़ी अपने आप मूव करना शुरू हो जाती है। बट हम चूँ सर बता रहे हैं कि 14 इयर्स इनको हो गए हैं यहाँ पे ड्राइव करते हुए, इन्होंने आज तक कभी ऐसा देखा नहीं है, हैं सर? जी सर। बट ये एक अच्छा टूरिस्ट स्टॉप है और यहाँ पे ATV बाइक्स हैं, लोग चलाते हैं और फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं। खैर, अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जो संगम है, इंडस और जास्कर रिवर का, वो देखेंगे। श्रीनगर ले हाईवे पे ये संगम व्यू पॉइंट है जो कि निमो में है, और यहाँ पे इंडस रिवर और जास्कर रिवर दोनों का मिलन होता है। जो मटियाला पानी आप देख रहे हैं वो जास्कर है, और जो बिल्कुल जो क्लियर पानी आप देख रहे हैं वो इंडस है। इस जगह पे रिवर राफ्टिंग भी होती है और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को आपको मिलता है। अब हम लोग आ चुके हैं अलची विलेज। यहाँ पे हम लोग अलची मॉनेस्ट्री विजिट करेंगे, फिर आपको लिए चलेंगे अलची किचन जहाँ पे आपको जायका दिलाएंगे लद्दाखी फूड का। अलची किचन में लोकल लद्दाखी जायके का सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं। एप्रिकॉट जूस और साथ में इसमें मिंट भी है, बिल्कुल थिक कंसिस्टेंसी के साथ, हल्का सा टार्ट भी है, स्वीट भी है और मिंटी भी, रिफ्रेशिंग भी। लंच टाइम पे जब हम लोग आए थे पूरा रेस्टोरेंट पैक था। इस किचन में जो भी लोग काम कर रहे हैं सभी के सभी फीमेल हैं, और अच्छा है, उन्होंने सबको एक लाइवलीहुड दिया है निजा जी ने, और इसीलिए उनको नारी पुरस्कार भी मिला भारत सरकार द्वारा। मतलब अपने लोकल कल्चर को
लोकल हेरिटेज को, लोकल फूड को प्रिजर्व करना और दुनिया तक पहुंचाना, वो काम कर रही है निलजा जी। ये तो वो है ना ब्लैक टर्टल पीस, ब्लैक, हाँ जी। और ये बार्ली एंड व्हीट, होल व्हीट एंड होल बार्ली। सो थोड़ा हमने क्रश किया हुआ है, ये जो दिख रहा है ना क्रश किया हुआ है, थोड़ा हमने होल रखा है। ब्राउन मटर जो लोकल मटर कहते हैं हम, भिगो के रखा तो स्प्राउट हो गया, अदरवाइज स्प्राउट होने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे भिगो के हम डालते। और ये है छुरपे, हमारा लोकल गाय का छुरपे है ये जी, लोकल तो चीज़, जो चीज़ है। हाँ जी, तो इन दोनों को हम सोख ओवरनाइट सोख करके, हालांकि सबको ओवरनाइट सोखने की ज़रूरत है, तो इन दोनों को सेपरेट सोख करते हैं क्योंकि एक वो खट्टा सा फ्लेवर है इसमें। तो ये छांतुक बना रहे हैं? जी छांतुक, छांतुक इज अ मल्टी ग्रेन सूप। अच्छा जी, तो इसमें हर एक चीज़ एज अ होल डाला जाता है, तो ये विंटर सूप होता है मेनली, विंटर में खाया जाता है। और इसमें एप्रिकॉट ऑयल जब हम क्रश करते हैं ना, उसका रेसिड्यू जो बच जाता है उसको डालते हैं, वो मेनली हम विंटर में डालते हैं, विंटर में जब हम बनाते हैं, तो उससे क्या होता है बॉडी में हीट प्रोड्यूस होता है। और अभी हम डालेंगे इसमें क्योंकि वो रेसिड्यू तो है नहीं मेरे पास अभी, एप्रिकॉट ऑयल का टेम्परिंग ऊपर से तड़का, कुक होने देते हैं। ये चिकन खमीर सैंडविच है, और खमीर लोकल लद्दाखी सावरडो ब्रेड है, काफ़ी फ्लफी ये ब्रेड होता है, और इसके पॉकेट में फिर आप कुछ भी स्टफिंग कर सकते हैं। जैसे हमने फियांग होम स्टे में खाया था, तो उसमें उन्होंने खीरा टमाटर मेयो डाल के दिया था, यहाँ पे चिकन स्टफ्ड है। बहुत ही उम्दा है, अंदर में एकदम जूसी चिकन, साथ में क्रीमी मेयोनीज, ये ग्यातुक है। तो ये स्पेशल ओकेजन पे बनता है हमारे यहाँ, तो और स्पेशल कोई गेस्ट आए तब बनाया जाता है। और ये नूडल्स मेनली नॉन वेज में बनता है, क्योंकि वो नूडल्स जब बनता है तो एग डालते हैं, अदरवाइज वेजिटेरियन जब थुक्पा बनता है तो वो आटे का बनेगा और उसमें एग्स नहीं डालते हैं। ये मटन ग्याथुक है, ये मटन का ही ब्रॉथ है, साथ में नूडल्स हैं और बड़े बड़े पीसेस हैं मटन के, एकदम कंफर्ट फूड की तरह है। और बहुत ठंड हो, बर्फ़ गिरी हुई हो, उस समय ये आपको गरम क्यातुक खाने को मिल जाए फुल ऑन नॉरिशमेंट के साथ। बहुत बढ़िया बना हुआ जी, अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा। ये जो ग्रीन लीव्स है ये क्या है? ये यहाँ का लोकल पालक, मंगोल चाट ग्रीन्स। मैम जितने भी यहाँ पे आपके डाइनर्स आ रहे हैं वो काफ़ी क्यूरियस हैं देख के कि क्या हो रहा है, इस खप पे कैसे खाना पकाया जा रहा है। मतलब लेकिन जो ट्रेडिशनल स्टाइल है खाना पकाने का लद्दाख में वो यही है, कैसे बनाया जाता है, स्लो कुकिंग और स्टोन वेसल्स ही यूज़ करते हैं। पहले ज़माने में करते थे, अभी फिर उसके बाद ब्रास का ज़माना चला, ब्रास एंड कॉपर, अभी तो फिर स्टील और मेटल्स चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा मतलब क्या लोग ऑर्डर करते हैं किचन में आपके रेस्टोरेंट में? मोस्ट ऑर्डर डिश इज खम्बीर। खम्बीर क्योंकि लोगों ने बोल के वर्ड ऑफ माउथ, वो भी कि थोड़ा फिलिंग भी है, वो फिलिंग भी है और इजीली शेयर भी कर सकते हैं। इस पुलाव में आपका एप्रिकॉट कर्नल्स हैं, कैरेट है, मिंट लीव्स हैं, मलबेरी है और फ्राइड अनियन। ट्रेडिशनली लद्दाख में राइस ईटिंग कल्चर नहीं है क्योंकि यहाँ पे राइस होता नहीं है, यहाँ पे लोग बार्ले और वीट खाते हैं,
जो ये यारखंडी पुलाव है ये यारखंड रीजन से आया है जो कि चाइना में है। इसका एक नॉन वेजिटेरियन वर्जन होता है, एक वेजिटेरियन वर्जन होता है। ये वेजिटेरियन वर्जन है। जो पुलाव का टेक्सचर है थोड़ा ग्रीजी है, थोड़ा इसमें घी का बहुत अच्छा फ्लेवर है। हालांकि अब लद्दाख में भी काफ़ी राइस कंजम्पशन होने लगा है जब से PDS सिस्टम के थ्रू पंजाब हरियाणा से राइस यहाँ पहुँचने लगा, तो अब ये भी लोगों के खान पान का हिस्सा बन चुका है। तो जो मीट वर्जन होता है वो कैसे बनाते हैं? मीट वाला दम दिया जाता है, इससे बिरयानी बनाते हैं उस तरह जैसे दुनिया। और उसमें ज़्यादा मीट का स्टॉक होता है, तो ऐसा माना जाता था पहले जब बनाते समय ऑयल यहाँ से गिरना चाहिए, जब तक यहाँ से ना जाए उसको हाथ से खाया जाता ना, जब तक यहाँ से ना जाए वो यारखंडी पुलाव नहीं कहलाते। तो मीट का ही अपना जो ब्रॉथ हुआ स्टॉक हुआ उसमें ही पकाते हैं। और वेज वाला कैसे बनाते हैं इसको? वेज वाला तो नॉर्मली फिर बाद में मिक्स कर लिया। तो इसमें कोई मतलब वेजिटेबल स्टॉक नहीं होता? वेजिटेबल स्टॉक, और मगर इसमें बटर बटर डालते हैं। कैसा लगा? बस सीखने सर वो मलबरीज के। आजकल हम मलबरीज यूज कर रहे हैं क्योंकि उसका सीजन अभी खत्म हो गया। अदरवाइज ड्राई एप्रिकॉट को, अच्छा वाले ड्राई एप्रिकॉट को सोक, ओवरनाइट सोक के बाद हम यूज करते हैं। मेरे को ऐसे रॉ मलबरी थोड़ा टेस्ट कराएंगे? जी जी जी। उनको मतलब रिहाइड्रेट नहीं करते हैं, पानी में डालते नहीं? पहले धोते हैं हम, नहीं बाद में सोकिंग, सोक करने से वो मैश हो जाता है, फिर उसका स्ट्रक्चर नहीं रहता है। हमें ज़्यादा स्वीट ना है। ये वाइट वाला ज़्यादा स्वीट है। फ्रेश तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है जी। यहाँ पे मुझे ये लगता है सर, जो भी हम यहाँ पे फ्रूट्स यूज़ कर रहे हैं ना, जैसे कि एप्रिकॉट जूस जो है, अभी आपने जो जूस पिया ना, वो भी ड्राई एप्रिकॉट्स का है। ड्राई एप्रिकॉट्स का स्वीटनेस ज़्यादा होता है, अगर हम फ्रेश एप्रिकॉट्स का बनाएं तो उसका सावर खट्टापन ज़्यादा आएगा। फिर उसमें शुगर ऐड करो, ये उसमें अभी वाले में शुगर एडेड नहीं था, वो सिर्फ ड्राई एप्रिकॉट्स का। तो कब तक आपका रेस्टोरेंट ऑपरेशनल रहता है? 31 अक्टूबर तक। उसके फिर उसके बाद नवंबर में हम रेस्ट करते हैं 1 मंथ, दिसंबर में हम दिल्ली में शुरू करते हैं होम पॉपअप, फिर मार्च तक दिल्ली में, मार्च तक फिर अप्रैल में दोबारा शुरू हो जाता है, अप्रैल में दोबारा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल स्टार्ट। और लंच और डिनर के लिए? लंच डिनर और ब्रेकफास्ट भी। अच्छा, ब्रेकफास्ट। मगर ये है कि ब्रेकफास्ट और डिनर में थोड़ा लोग कम आते हैं, बहुत कम। वहाँ लिखा था ओपन से 12 नून लिखा हुआ जी, वो लंच टाइम। अच्छा, लंच टाइम। फिर 8:30 to 10:30 इज आर ब्रेकफास्ट टाइम। और कितना समय हो गया आपके रेस्टोरेंट को? ये 7 साल हो रहा है अभी। आपने एक आउटलेट वहाँ भी शुरू किया जी, है? पहले था ये, हमने शुरू किया था जी, ये किया था हमने शुरू 2018 में, मगर 2018-19 अच्छे तरह चला, पर कोविड की वजह से बंद, उसकी वजह से। बट हम अभी सोच रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर हम फिर से रीओपन करें, क्योंकि ये जगह हम चेंज कर रहे हैं इसलिए। तो जो मेन्यू है आपके रेस्टोरेंट का वो फिक्स रहता है कि वो चेंज? वो चेंज सीजनल अकॉर्डिंग टू, जो भी हमें सीजन में मिलता है, जैसे कि स्प्रिंग में मिलता है हमें यंग वो क्या बोलते हैं आप उसको, टेंडर टर्निप्स और वाइल्ड डैंडेलियंस केपर्स, फिर उसका हम सॉस बनाते हैं, देन उसका सब्जी बनता है, उसी में क्यूब पकता है जी। अभी तो ऑटम सीजन चल रहा है, ऑटम सीजन, तो एप्रिकॉट्स का ज़्यादा आपको दिखेगा, ज़्यादा यूज करते हुए एप्रिकॉट सीड्स का, एप्रिकॉट्स का। तो सितंबर अक्टूबर में हम छंतुक फिर सर्व करना शुरू करते हैं। ये मटन स्टॉक और मटन जैसे लकड़ी के चूल्हे में पकाते हैं और ये पत्थर के बर्तन में, तो इसमें स्वाद में फ़र्क आता है? स्वाद में बहुत फ़र्क आता है, स्लो कुकिंग है ना, और
ज़्यादा ही टेस्ट आता है, क्योंकि इसको टेक्सचर चाहिए, थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए, तो इस स्लो कुकिंग में वो टेक्सचर आ जाता है। ये क्या है? ये लोकल ज़ीरा, जिसको हम कैरवे सीड्स कहते हैं, और ये है चाइब्स, वाइल्ड चाइब्स को हम ड्राई करके रखते हैं स्कॉच से। ये एप्रिकॉट का ऑयल मैंने लिया, अच्छा, थोड़ा सा, और इसको टेम्परिंग करें। तो हमेशा ड्राइड फॉर्म में यूज़ करते हैं कि फ्रेश भी लीव्स का? ड्राई फॉर्म ही, अभी तक तो हमने ड्राई फॉर्म ही यूज़ किया, फ्रेश कभी वो शुरू से आदत थी, तो इसका फ्लेवर ज़्यादा आता है। तो ये आपका छांतुक, क्या छांतुक है? छांतुक, छांतुक का तड़का। अभी हम इधर खमीर बना रहे हैं। हाँ, आटा और खमीर। तो ये तवा भी पहले ऐसे ही होता था, स्टोन का होता था। ये तो नया है, इस पर डिज़ाइन है, पहले ज़माने में डिज़ाइन नहीं होता है, प्लेन कहीं से भी उठा लिया प्लेन, फिर उसी को यूज़ करते थे। और खमीर का ऐसा कुछ टाइम भी है, मतलब मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में खाते हैं या फिर लंच? कभी भी खा सकते हैं, बना के स्टॉक करके घर पर रखते हैं। जी। और गांव में क्या करते हैं, छंग में लोकल जो बियर होता है बार्ले का, उसमें सत्तू डाल के उसमें भिगो के रखते हैं खमीर को। अगर खमीर सख्त हो गया होगा, अगर सुबह का बनाया शाम को सख्त हो गया, तो उसको भिगो के रखते हैं, फिर उसको सुबह खाते हैं या कभी भी ना। जो भी आपके टीम मेंबर्स के यहाँ पे काम कर रहे हैं, सब लोकल इसी गांव के, अलची के? इसी गांव के नहीं सर, वो डिफरेंट, दूर, यहाँ से काफ़ी दूर, कोई ईगू से है, कोई आर्यन वैली से, शी इज़ फ्रॉम आर्यन वैली जी, तो दूर दूर जगह से। तो रहते ही पे हैं? रहते ही, मैंने उनको क्वार्टर दिया हुआ, तो मेरे साथ ही रहते हैं अभी, ये तो मेरे फैमिली बन गए। अब इसको अंगीठी पे पकाएंगे? हाँ फ्रेश खमीरी ब्रेड की जो खुशबू आती है, तो ये पूरा ब्रेड जो सूप है सोक कर लेता है। ये पहले खमीर खाया था वो चिकन के साथ था, अब रियल टेस्ट पता चल रहा है इसका। इसका एक जो खट्टा टेस्ट होता है वो पता चल रहा है। जी जी, खमीरी का। और दोनों में बहुत फ़र्क है, जो आपने तवे पे बनाया था और इस पे बनाया है, लकड़ी के चूल्हे पे, मिट्टी के तवे पे, काफ़ी हार्टी सूप है, मतलब हैवी है, वीट भी है, बार्ली भी है, दो तरह का आपने पीस डाला है इसमें। और मटन भी, तो इसको उसके साथ भी पकाया जाता है, ट्रॉटर्स के साथ, पाया के साथ। हेल्दी, न्यूट्रिशियस एंड कम्फर्ट फूड जी। तो आपको अब 7 साल हो गए अलची किचन चलाते हुए, फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं? फ्यूचर में तो अभी मैं सोच रही हूँ पहले लेका ब्रांच खोलूँ, तो उसके लिए हम स्पेस ढूंढ रहे हैं, तो वो रेस्टोरेंट कम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में खोलना चाह रही हूँ, तो वहाँ पे जितने भी यंगस्टर्स लड़कियाँ सीख सकते हैं मेरे से, और एक तो एम्प्लॉयमेंट, तो साथ साथ में उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की सोच रहे हैं। फिलहाल तो यही प्लान है।
नहीं, अच्छा आपके प्रयास से आपने मतलब लद्दाखी फूड को वर्ल्ड मैप पे आप पहुँचाया है आपने। जी, कोशिश। गरम खमीर ब्रेड, उसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है। खमीर में ईस्ट डाला जाता है और उससे फर्मेंटेशन होता है, और फर्मेंटेशन से लैक्टिक एसिड जो रिलीज करता है उससे इसमें सावरनेस आता है। तो डिश बनाने इसका नाम क्या है? इसका नाम कुशु फेमर। कुशु फेमर, कुशु फेमर, कुशु इज एप्पल, फेमर इज फेमर पोरिज जैसा डिश। तो पहले वाइट बटर में ड्राई शुगर पे पाउडर मिलाएं। जी, अभी हम मिलाएंगे बटर टी, बटर टी, गुड़गुड़ चाय, गुड़गुड़ चाय। ये फेमर जो है दो तीन किस्म के तरह के होते हैं। नॉर्मल जो फेमर बनता है उसमें बटर टी में बटर डाला और शुगर डालते हैं हम, और बार्ली से नीट करते हैं। इसमें हम ये यूज़ कर रहे हैं तो उसमें शुगर डालने की ज़रूरत, इसका स्वीटनेस रहेगा, इसका स्वीटनेस रहेगा, तो प्रोपोर्शन में ये ज़्यादा रहेगा और ये कम थोड़ा। अब हम इसको हाथ से गूंदेंगे, गूंदेंगे। मैं तो बस सोच रहा हूँ कि इस एप्पल फ्लावर का क्या क्या चीज़ बन सकता है। जी। तो ऐसे भी चाय में डाल के खा सकते हैं ऐसे। जी, इसको चाय में डाल के खा सकते हैं। जी, दलिया की तरह ना। अच्छा। क्योंकि ये भी रोस्टेड है, वो चाय है। ये लीजिए, बन गया। रेडी रेडी। मेरा फेवरेट लद्दाखी मीठा। एक जगह हमने खाया था वो सिर्फ बार्ले बटर मिल्क और शुगर से बना था, इसमें ड्राइड एप्पल फ्लावर है। हल्का सा खट्टापन भी है, हल्का सा। तो इसको स्वीट डिश की तरह भी खा सकते हैं, और नॉर्मली ये ब्रेकफास्ट डिश होता है। इसका फ्लेवर तो उससे मिल रहा है, अनारदाना से। अनारदाना पाउडर जो होता है उससे लग रहा है। अच्छा, खट्टा मीठा। अच्छा, आपने हमें इतना सारा जो डिशेस खिलाया जी, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ड्राइड फॉर्म में था जी, चाहे वो ड्राइड चीज़ था या ड्राइड बेरी था या ड्राइड एप्पल फ्लावर है और ड्राइड चाइव्स, ड्राइड चाइव्स। तो प्रिजर्वेशन का कितना इंपॉर्टेंस है लद्दाखी क्विजीन में? बहुत, क्योंकि मेनली प्रिजर्वेशन पे ही है, क्योंकि हमारे फ्रेश वेजिटेबल्स का सीज़न बहुत शॉर्ट होता था तब। अभी तो ग्रीन हाउसेस आ गए, फिर समर ज़्यादा स्ट्रेच हो गए। पहले वो कल्चर था कि विंटर ज़्यादा होता, विंटर ऑटम ज़्यादा, फिर जल्दी जल्दी सनड्राई करते थे एकदम से, और जितने भी पहाड़ों में उगता है हर्ब्स वगैरह उनको उसी टाइम पे कलेक्ट किया जाता है, जितना वो उसका ड्यूरेशन होता है। अदरवाइज़ जैसे केपर्स हो गया, उसी केपर उसी टाइम पे कलेक्ट करना होता है, नहीं तो वो ज़्यादा बड़ा हो फिर उसका टेस्ट नहीं आता है। जी, फिर जल्दी जल्दी हम सनड्राई कर देते हैं, जैसे नेटल लीव्स हो गए, उसको भी उसी टाइम वो करके हार्वेस्ट करके देने। तो अब फाइनली हम लोग अपना अलची किचन में लद्दाखी फूड का एक्सपीरियंस एंड कर रहे हैं कावा के साथ। वैसे कावा तो कश्मीरी है, कश्मीरी है सर, मगर इसमें कश्मीरी कावा का लीव्स नहीं डाला है, जस्ट सिनेमन कार्डमम, उसको बॉयल करके फिर उसी का वो है और शुगर थोड़ा डाल के। इसमें टी लीव्स कोई नहीं है और सैफ्रन एंड वॉलनट्स। कैसा लगता है आपको, इतने लोग आते हैं यहाँ पे खाने को अप्रिशिएट करते हैं और सेल्फीज ले लेके जाते हैं?
जी बहुत अच्छा लगता है जी बहुत। आपने जब शुरुआत की थी, मतलब ये बहुत ही बोरिंग क्वेश्चन होता है, मेरे से भी लोग पूछते हैं कि आपने सोचा था कभी कि आप ऐसा शुरू करेंगे और आप इतना आगे तक पहुंच जाएंगे? मेरा भी वही सवाल है, आपने एक्सपेक्ट किया था ऐसा? जी कभी नहीं किया था, मुझे तो ये लग रहा था कि एक दो साल चला के मुझे बंद करना पड़ेगा जी, मगर वो अंदर से कुछ था लाइक करूँगी मैं जी। हाँ थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपके यहाँ पे, और मैंने पहली बार नहीं दूसरी बार आपके हाथ का बना हुआ खाना खाया, सभी चीज़ें बहुत ही उम्दा थी। और मैं तो बस इतना कहूँगा कि अलची किचन लेह का एक लैंडमार्क बन चुका है लद्दाखी फूड के लिए, कि अगर आपको लद्दाखी खाना समझना है, लद्दाखी क्यूजिन के बारे में जानना है, तो ये मस्ट विज़िट होना चाहिए। थैंक यू अनुभव जी, थैंक यू यहाँ पे आने के लिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एक बार फिर से जुले, द मैजिकल वर्ड इन लद्दाख। टापू बोल गया? हाँ जी टापू बोल गया। तो ये अपना मटन शाप्ता? हाँ जी। ये वेज शाप्ता? वेज, हाँ जी वेज। ये आपका टापू? टापू विद वॉलनट एंड एप्रिकॉट कर्नल चटनी? हाँ जी। और टिमो? टिमो, हाँ जी सर। फटिंग छू? हाँ फटिंग, हाँ जी।